नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका रुपया कहीं फंस गया हो या कोई ना दे रहा हो, कोई पैसा खाकर भाग गया हो, मांगने पर भी ना दे रहा हो, बहुत विनती कर ली तभी ना दे रहा हो, तो आपको एक उपाय करना है जिसे करने मात्र से आपका वो धन आपका वो रुपया दे जाएगा। आपको क्या करना है, आपको 7 सफ़ेद फूल लेने हैं, यानी 7 सफ़ेद फूल लेने हैं। उसको क्या करना है, आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग को चढ़ा देना है और एक एक फूल को जब चढ़ाओ तो जिस व्यक्ति ने आपका रुपया या धन ले रखा है उसी का नाम और गोत्र बोलकर एक एक फूल चढ़ाते जाओ और महादेव यानी अवधूतेश्वर महादेव से बोलते जाना है कि उस व्यक्ति ने मेरा इतना धन या रुपया ले रखा है, बाबा आपको उस व्यक्ति से हमें दिलाना है। अवधूतेश्वर महादेव से ऐसा कहना है और सातों फूल को शिवलिंग पर चढ़ा देना है। मात्र तीन महीने में वो व्यक्ति आपका रुपया आपका धन आपको लौटा कर जाएगा, हाथ जोड़ कर आपको देकर जाएगा। उसको बेचैनी होने लगेगी, वो पैसा चुकाए बगैर रह ही नहीं पाएगा। केवल आपको अवधूतेश्वर महादेव का एक उपाय करना है बस। अगर उस व्यक्ति का आपको गोत्र नहीं मालूम है तो आप केवल उस व्यक्ति का नाम ही बोलकर आप 7 फूल चढ़ा सकते हैं, लेकिन सफ़ेद फूल चढ़ाने एक बार करके देखिए करने में क्या जाता है। दोस्तों अगर शरीर में किसी के इतना भयानक दर्द हो रहा हो कि वो ठीक ही ना हो रहा हो, जैसे कि कमर में, घुटने में, पीठ में, सिर में, कंधे में, शरीर के किसी भी हिस्से में इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही हो कि वो सही ही ना हो रही हो, तो आपको उसके लिए एक छोटा सा उपाय करना है। शिवपुराण की कथा में बताया गया है कि जहाँ शिवपुराण की कथा चल रही हो वहाँ पर 6 दिन, मात्र 6 दिन एक बेलपत्री उठाकर आपको चबा चबा कर खाना है रात होने से पहले। अगर आप उस शिवपुराण की कथा में से 6 दिन एक बेलपत्री उठाकर रात होने से पहले चबा चबा कर खा लेंगे तो आपको हम लिख कर दे सकते हैं कि आपका दर्द हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, आपको दोबारा ऐसा दर्द कभी नहीं होगा, आपका शरीर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। केवल शिवपुराण की एक बेलपत्री का इतना महत्व है।